ये सभी गांव के दौरे करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी खेत के उस पे खड़े हैं और आप खुद देख सकते हो कि इसमें एक भी दाना नहीं, और ये फसल कम से कम जो नुकसान हुआ है 100% से भी ऊपर नुकसान हुआ। ऊपर इसलिए कह सकते हैं हम, और किस्मत तो एक दाना बचा नहीं है किसी भी फसल में। कम से कम ये 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन ख़राब हुई है इन गाँव की, और इसमें दाना तो बचा नहीं। और ऊपर से एक खर्चा और है पानी निकालने का और इसकी कटाई का, तो किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी ये तो। और इसलिए एक्स्ट्रा और भी अगली फसल का भी भरोसा नहीं, वह गेहूं की जो फसल बोने की है उसका भी भरोसा नहीं, तो किसान एक तरफ से दोहरी मार की पड़ी है। ओलावृष्टि व बारिश से खराब हुई फसल, विधायक ने आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का किया दौरा। खरखौदा विधायक जयवीर सिंह ने खांडा, कवाली, भदाना, चोलका, सहरी, ककरोई, झरोठ, झरठी आदि गांवों का दौरा किया। रविवार को हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का लिया जायजा। हजारों एकड़ धान की फसल में एक भी दाना नहीं है। खरखौदा विधायक जयवीर सिंह का कहना है कि ओलावृष्टि और बारिश से सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई है। इसके अलावा विधायक ने बताया कि सिर्फ ओलावृष्टि व बारिश से फसल खराब के अलावा हजारों एकड़ जमीन से पानी निकासी न होने के कारण आगे गेहूं की फसल की बुआई की समस्या भी बन गई है। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस प्राकृतिक आपदा से जो किसान का नुकसान हुआ है उसके लिए उपायुक्त सोनीपत से ग्रामीणों के साथ रूबरू होंगे, सारी समस्या उपायुक्त की जानकारी में लाई जाएगी। वही किसानों ने खरखौदा विधायक से मांग की है कि ब्लॉक के किसानों को जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसके लिए 70,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिलवाया जाए और पानी निकासी की समस्या का समाधान भी करवाया जाए, जिसके बारे में खरखौदा विधायक जयवीर सिंह व सैकड़ों ग्रामीण उपायुक्त सोनीपत से मिलेंगे। ये देखो जी, ओलावृष्टि से इसके कोई भी दाना इस पर नहीं है, सारे दाने ओलावृष्टि से सब नीचे गिर चुके हैं, और ये आपको दिख रहा है जहाँ तक ये सारी फसल, वैसे आपको ये खड़ी दिख रही है लेकिन ये ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान, इस पर कोई भी दाना नहीं है, सब नीचे गिर गया, पानी में गिरा हुआ है आप देख रहे हो। और ये जितना भी एरिया है यहाँ कम से कम 5-7-8-10 गाँव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम ये चाहते हैं अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान को मुआवजा मिले ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। अपने देखते यह एक अपने गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान है, 6 बजे के पता था शाम को ही लग लिया था। लेकिन हम कहता मैं भी कहीं संतुष्ट नहीं होता, जमींदार भाई कहते देख लेके को जाना बच गया, आसो है हम कहता मैं घूम का है जी पूरे हाल में मशीन चलवा दो, 100 किलो में एक बोरी डाल दी मतलब हमने 1 किलो धान के ना हम बोल देकर खाना पड़ेगा, ये पोजिशन होगी वो ने रूखा के पत्ते चढ़ के ना धाना की देगी 100% नुकसान है, 100% बढ़कर ईसा हो रहा कत्ती मतलब 100 दाना का हो गया पानी मुश्किल हो पानी भर रहा है कटवाना कटवाना ये कटवा के वो अलग है अगली फसल का भी क्या समस्या है, ये साफ हमारे किले खाली कैसे होंगे हमें अल्लाह पता भी लग दिया था इसके बारे में। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये गरीब जनता खड़ी है और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, ज़्यादातर धान की फसल है जी, और बहुत खर्चे की खेती है ये, और इसमें हर एकड़ में अब आपको दिखाया गया है
बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को, गरीब मजदूर भाइयों को मुआवजा दे, ताकि ये अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। किसी अधिकारी को सूचना देने के बाद क्या कोई मौके पर भी आया है? अभी तक मेरी जैसे शाम को बात हुई थी तो पटवारी भी ये कहने लगा भाई हमारे इधर तो कोई ओलावृष्टि हुई नहीं और ना ही हमारे पास कोई आदेश आए हैं। मेरी विधायक जी से बात हुई जबीर खर खुदा से, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं सुबह सुता उठते हैं और आपके गांव में आता हूं और जहां जहां भी नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे और मैं जनता के साथ में हूं और आज हम डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं। भाई नीरज नाम है जरोठी गाँव भाई। भाई ये ओलावृष्टि हुई क्या कुछ बताना चाहोगे, कितना कुछ फसल खराब हुई इसके बारे में? भाई ओलावृष्टि का तो यो है भाई, हमारे बदादा पड़दादा ने आज तक देखा है ना था साद सा भाई, जब पेड़ हैं ये जो नीम बड़ इसका पेड़ पत्ता उस पर नहीं है, पेड़ पर तो धान तो था गए भाई। और प्रॉपर बात यह है भाई पूरे समाने में तो यदि अखाड़ तक हम बैन चलवाई जाना तो एक किलो नहीं पाओ दिवाली की खीर को ना बनाए, हमारे एरिया में तो बनाए नहीं भाई। तो हम तो यह मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार कुछ तो या गया, किसान विरोधी सरकार है जो भी चल रहा है मुद्दा, तो इस मामले कह रहे हैं कि भाई सरकार तो यह मांग है कि भाई जमींदार के कति मर गया इसकी मदद करी जा जितनी भी करी जा, और भाई साथ के साथ जो या पानी निकासी हो है या करी जा, और भाई आगे और भाई जो सर जो ये प्राइवेट सेक्टर में जो भी मेगा ऑर्डर दे रखे कट रहे हैं जमींदार है रपिए उन तभी कह रहा था भाई उसका सर्वे करा कर उनकी जितनी भी ज़्यादा मदद करवाई जा वह मदद कराई जा भाई साहब, यह मांग है भाई। कल तो ऐसी थी कि ओलावृष्टि से उसमें एक दाना भी नहीं बच पाया, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा भाई साहब? इसके बारे में तो यह कह सकते भगवान ने आपदा घेर दी या जमींदार उठ सके है सरकार है या जो ऑफिस दफ्तर में बैठे हैं ना अफसर है उनके ओटन की गुंजाइश नहीं है। अरे भाई किसे गई हो तो 100 रुपया नोट मंडेरे पर धरके देख लो पूरी रात नींद को नहीं आवे, अरे यह तो भाई साहब खेत में पड़िया है यो नुमान लो मारा था ना सो लिया, यह है भाई सरकार तो मांग। विधायक जी ओलावृष्टि से खरगोदा क्षेत्र के बहुत सारे एकड़ जो फसल है वो खराब हुई है, क्या कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए वैसे शाम को पता चल गया था हमको अगर ओलावृष्टि हुई है, तो सुबह में 6 बजे से यहाँ गांव का दौरा कर रहा हूँ खेतों का, और उसमें हम जायजा ले रहे हैं भाई कितना नुकसान हुआ। तो मैंने तकरीबन जरोट खांडा जरोटी बदाना और ये कवाड़ी ये सभी गांव के दौरे करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी खेत के उस पे खड़े हैं और आप खुद देख सकते हो कि इसमें एक भी दाना नहीं, और ये फसल कम से कम जो नुकसान हुआ है 100% से भी ऊपर नुकसान हुआ, ऊपर इसलिए कह सकते हैं हम और किस्में तो एक दाना बचा नहीं है किसी भी फसल में, कम से कम ये 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन ख़राब हुई है इन गाँव की और इसमें दाना तो बचा नहीं, और ऊपर से एक खर्चा और है पानी निकालने का और इसकी कटाई का, तो किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी ये तो। और मैं इतना कहूँगा आज हमने डीसी साहब से बात करी है, उनसे मिल के भी सारी स्थिति बताएंगे कि भाई किसान की जितनी भी ज़्यादा मदद की जाए वो कम है। अभी जैसे गांव का दौरा किया कई जगह देखने में मिला कि कई फुट पानी तक फसलों के ऊपर तक आया हुआ है। हाँ कम से कम अभी ये देख लो पानी ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 2-3 फुट पानी हर खेत में है, और उसके जो धान के ऊपर का जो हिस्सा हो तो एक झाड़ू की तरह दिखाई दे है, उसमें एक दाना तक नहीं कहीं भी। तो इस तरह जैसे गांव में भी देखने में मिला है भाई धान के अलावा और भी कई चीज़ों की फसल खराब हुई है, इसके अलावा वो जो बड़े पेड़ थे उनको भी पड़ी है। देखिए ये तो एक सिर्फ धान है और ओलावृष्टि ने तो जो बेड़ का पीपल का किक्कर के पत्ते थे वो भी नहीं छोड़े, इस तरह की ओलावृष्टि हुई है और पहली बार देखने में ऐसा आया और एकदम सब कुछ साफ। सबसे बड़ी ओलावृष्टि हमारे खरखोदा के इन गाँव में हुई है और सरकार से बिल्कुल मैं इस बात की अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि किसान की तुरंत मदद की जाए ताकि किसान इस हादसे से उभर सके। आज किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला जाएगा आपकी तरफ से? हाँ मैं डीसी साहब से बात हुई है, 10 बजे का टाइम दिया है, डीसी से बात करूंगा, सारी स्थिति से अवगत कराऊंगा।
ताकि किसान की जल्दी से जल्दी मदद हो सके, जल्द से जल्द गिरदावरी करा के उनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान के ऊपर मार ना पड़े। तो दानों में पानी भरा है, इसके अलावा अगली फसल भी तैयार नहीं हो पाएगी बोने के लिए, इसके बारे में क्या बताएं? इसकी भी प्रशासन से हम बात करेंगे और भाई पानी भी तुरंत निकाला जाए और जो ये खर्चा आएगा ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए, न कि किसान के ऊपर मार पड़नी चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।